फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अजय सर कॉमर्स क्लासेस। और आज मैं लेकर आ रहा हूँ आपके लिए एक बिल्कुल फ्रेश न्यू टॉपिक 11th क्लास के लिए, बिजनेस स्टडीज का इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस। अब आप समझ सकते हैं कि इस टॉपिक में है क्या, हम क्या पढ़ने वाले हैं। एक्चुअली ये टॉपिक पूरा इलेक्ट्रॉनिकली बिजनेस का है, ऑनलाइन बिजनेस का है, लेकिन इसमें तीन टॉपिक्स हैं, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। हम स्टार्ट करते हैं, एक है ई बिजनेस, एक है आउटसोर्सिंग और थर्ड है हमारे पास इंटरनेशनलाइज बिजनेस या ग्लोबलाइजेशन। यानी कि पूरे ग्लोबलाइज यानी पूरे वर्ल्ड के साथ हम बिजनेस कर रहे हैं, आउटसोर्सिंग और एक है हमारे पास ई बिजनेस। लेकिन बेसिकली इस बार हमारी 11th क्लास में सिलेबस में हमारे पास एक ही टॉपिक बचा है जिसका नाम है ई बिजनेस। तो हम इधर उधर क्यों भटकते हैं, हम सीधा डायरेक्ट अपने टॉपिक पर जो आते हैं, ई बिजनेस। तो ई बिजनेस क्या है, और ई बिजनेस में भी आपको अपने माइंड में क्लासिफाई करना होगा कि एक्चुअली सिलेबस है क्या। ठीक है, सिलेबस है हमारे पास कंसेप्ट, स्कोप एंड बेनिफिट। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना पड़ेगा। तो देखना होगा कि ट्रेडिशनल बिजनेस और ई बिजनेस में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले पढ़ें ई बिजनेस क्या है। ई बिजनेस, ई फॉर इलेक्ट्रॉनिकली, यानी कि वो बिजनेस जिसे हम इलेक्ट्रॉनिकली कर रहे हैं। अब प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो जिंदगी में यही बिजनेस चल रहा है, ऑनलाइन बिजनेस। परचेज किया होगा ना कभी कोई चीज ऑनलाइन, भाई इतनी सारी साइट्स हैं हमारे पास, अमेजन है, तुम्हारे पास पेटीएम है, करते हैं ना हम शॉपिंग कर लेते हैं, हमारे पास डेबिट कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड होता है, ये हमने पिछली वीडियो में आपको समझाया था। इसी से हम शॉपिंग का जो कंसेप्ट है जिसे हम ऑनलाइन शॉपिंग कहते हैं, यानी कि शॉपिंग थ्रू इंटरनेट, यानी बिजनेस थ्रू इंटरनेट, यानी कि जब बिजनेस को इंटरनेट के थ्रू करते हैं तो उसे ही हम कहते हैं ई बिजनेस। तो कोई स्पेसिफिक नहीं है, कोई नई चीज आ रही है। आज के प्रेजेंट सिनेरियो में, आज के इतने एडवांस सिनेरियो में हर बंदा इस बात को जानता है कि व्हाट इज द ई बिजनेस। आगे ना, ई बिजनेस यानी इलेक्ट्रॉनिकली बिजनेस। अब इलेक्ट्रॉनिकली यानी कि वो बिजनेस जो हम ऑनलाइन इंटरनेट से करते हैं। यानी कि हमें क्या चाहिए, केवल एक इंटरनेट का कनेक्शन और इस इंटरनेट को चलाने के लिए एक डिवाइस, चाहे फोन ले लीजिए, आजकल तो सारे फोन पर हो जाता है, लैपटॉप कंप्यूटर जो आप चाहें, केवल एक चीज की रिक्वायरमेंट है आपको, एंड देन आप बिजनेस कर सकते हैं और आप गुड्स परचेज कर सकते हैं। तो ये जो बिजनेस है मेरा ई बिजनेस, इसको अगर हम समझें कि ट्रेडिशनल बिजनेस, देखिए ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या करना होगा आपको, एक शॉप लेनी होगी, है ना, एक शॉप है जिसमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट है, बहुत बड़ा स्टॉक आपको लगाना पड़ेगा, सेल्समैन लगाने पड़ेंगे, उसके पूरी व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी, शोरूम का पूरा एक सिस्टम मेंटेन करना पड़ेगा, फिर कस्टमर्स को सर्च करना पड़ेगा, कस्टमर आते हैं नहीं आते हैं, सेल नहीं होता है, गुड्स पुराना हो जाता है, कितनी सारी समस्याएं, कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट है, कितना बड़ा रिस्क है। और उस बिजनेस को केवल आप भाई कुछ टाइम ही तो कर सकते हैं, 10 to 5, 10 to 10, 12 घंटे मैक्सिमम, भाई अगर बहुत ही ट्रेडिशनल है तो 12 घंटे काम कर लेंगे। लेकिन अगर आप ऑनलाइन आ जाएंगे, ई बिजनेस में आ जाएंगे, यानी इंटरनेट के थ्रू आ जाएंगे, तो आप 24 आ रहे हैं और आपको इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना है। चलो मैं आपको बता देता हूं, पहले थोड़ा सा हैंडल लेते हैं कि स्कोप क्या है, यानी कि ई बिजनेस में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, क्या क्या होता है ई बिजनेस। तो ई बिजनेस में हमारे पास होता है बी टू बी, ये नेम मेंशन है, B2B, बी फॉर बिजनेस। अब B2B, अब बी तो बिजनेस है, यानी बिजनेस से बिजनेस, यानी कि जो हम बिजनेस कर रहे हैं वो केवल बिजनेसमैन से कर रहे हैं, यानी कि यहां पर हम कस्टमर को डील नहीं कर रहे हैं, ये केवल हम बिजनेस से बिजनेस। अब आप किसी चीज का एग्जांपल ले लीजिए, यानी कि एक इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्री से परचेज कर रही है, एक बिजनेसमैन दूसरे, यानी बिजनेसमैन से भी, यहां मेरा कहने का पर्पस है, एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के लिए खरीद रहा है या दूसरा बिजनेस पहले बिजनेस से परचेज कर रहा है। आप किसी भी चीज का एग्जांपल ले लीजिए, आप किसी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात कर लीजिए, तो कोई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो वो कार क्या टोटल खुद थोड़ी बनाती है, उसके पार्ट्स डिफरेंट कंपनीज बनाती है। अगर आपने नाम सुना होगा नैनो गाड़ी, मारुति ने इससे पहले बंगाल में लगाई थी, तो बंगाल से करीबन 150 कंपनीज वहां से वापस आई थी जब बंगाल से नैनो कंपनी के प्लांट को उन्होंने शिफ्ट करके गुजरात लेकर गए। तो क्या हुआ, तो जो बाकी जो 150 कंपनीज थी वो भी तो बाहर हो गई। तो कहने का पर्पज क्या था, मेरा कहने का पर्पज यह है समझाने का कि B2B यानी कि बिजनेस से बिजनेस, यानी कि यहां पर जो हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो एक बिजनेस के लिए कर रहे हैं दूसरे बिजनेस से खरीद कर। अब कोई सा भी बिजनेस किसी से परचेज कर सकता है, तो यहां पर जो हम पढ़ रहे हैं वो ऑनलाइन परचेज कर रहे हैं, सिस्टम यही है, क्योंकि हम तो पढ़ रहे हैं ई बिजनेस। लेकिन ई बिजनेस में बी टू बी मतलब बिजनेस से बिजनेस के लिए परचेज करना है। तो कंसेप्ट क्लियर हो गया, जब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से गुड्स परचेज करता है, यानी कि कार के पार्ट्स, किसी और चीज के पार्ट्स, या होलसेलर, रिटेलर, होलसेलर कंपनीज, तो ये
क्या है, बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन है ना, कस्टमर तक नहीं पहुंचे। अब एक होता है कस्टमर का बी टू सी, यानी यहां पर बिजनेसमैन कस्टमर तक का है, यानी कि यहां पर बिजनेस से गुड्स कस्टमर तक पहुंच रहा है, यानी कि यहां पर सेल्स है, यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि जो गुड्स प्रोड्यूस किया जा रहा है वो गुड्स कस्टमर तक जा रहा है। यानी कि पहले आपको उसको मीनिंग क्लियर होनी चाहिए, बी टू बी यानी बिजनेस से केवल बिजनेस डील हो रहा है, बी टू सी यानी बिजनेस से कस्टमर डील हो रहा है, यानी कि यहां पर यानी कि जो जनरल बिजनेस करते हैं हम, कॉम ई बिजनेस की हम बात कर रहे हैं, तो वो क्या बिजनेस है एक्चुअल वाला, तो भाई बी टू सी है, यानी कि बिजनेसमैन कस्टमर को सेल कर रहा है। अब कस्टमर को सेल तो कर ही रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट साइट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम है जिसके थ्रू आप ऑनलाइन गुड्स बेच सकते हैं अपना इजीली, जो भी आप गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कर रहे हैं उसे डायरेक्ट कस्टमर को बेच दीजिए, सारे बेनिफिट्स आपको हो जाते हैं। तो जो हम बेनिफिट पढ़ने वाले हैं वो बेनिफिट तो हमारे माइंड में पहले से ही कवर हो जाते हैं कि भाई हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 24 आवर हम बिजनेस को कर सकते हैं, सातों दिन काम कर सकते हैं, सभी हमारे एम्प्लॉयज भी घर बैठकर काम कर सकते हैं, यानी कि किसी को भी बाहर जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब जैसे आजकल ये कोरोना काल चल रहा है, तो जब से कोरोना काल चला है क्या प्रॉब्लम आ रही है, जो कोविड-19 समझ रहे हैं ना, जो कोविड-19 के कारण क्या समस्या आई है कि लोग बाहर नहीं जा सकते हैं, गवर्नमेंट की बाउंडेशंस है, लॉकडाउन है, तो इस सब समस्याओं का हल क्या है, क्या सॉल्यूशन है, भैया आप ई बिजनेस पर आइए ना, ई बिजनेस के थ्रू सारी इंडस्ट्री वापस चालू हो गई है, देख सकते हैं सारी इंडस्ट्री चालू हो गई है, सब कुछ सिस्टम वापस कवर में आ रहा है और हम इसको कवर कर सकते हैं। और इसके बाद तो आप समझिए ये वाला जो कंसेप्ट है बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। अब अगर आज आप बिजनेस को डेवलप करना चाहते हैं, इंटरनेशनली जाना चाहते हैं, पूरी दुनिया में अपने गुड्स को बेचना चाहते हैं, बड़े बिजनेस बनना चाहते हैं, तो आपको ये बिजनेस तरफ आना पड़ेगा। तो समझ में आ गया मेरे पास बी टू सी, सेकंड है सी टू सी, यहां पर कस्टमर से कस्टमर है। अब आपको कस्टमर से कस्टमर क्या है भाई, नई गुड्स तो बिजनेसमैन ने बनाई और किसने सेल कर, किसने परचेज कर ली, कस्टमर ने, लेकिन यहां पर है मैं जो पुरानी चीजें हैं उनको सेल कर रहा हूं, यानी कि किसी कस्टमर पर कोई पुरानी चीज है वो किसी दूसरे को बेच देता है। तो ऑनलाइन कंसेप्ट चल रहा है आजकल, आप ध्यान दे रहे हो कि 24 आवर्स, वो आता है 24 आवर कार सेलिंग के लिए, कार सेलिंग के लिए या कुछ प्रोडक्ट जो पुराने हैं उनको सेल करने के लिए बहुत सारी वेबसाइट्स के आपके नाम के ऐड चलते रहते हैं। तो क्या है, समझा कभी आप लोगों ने क्या है, वो यही तो है कि भाई सी टू सी, कस्टमर से कस्टमर, कस्टमर का सामान हम किसी कस्टमर को सेल करा रहे हैं, बीच में इंटरमीडिएट जो ऐप है जो आपको हेल्प कर रहा है, पहले क्या करते थे ब्रोकर होते थे, अब ये ब्रोकरिंग की जगह हमारे पास ऐप आ गए हैं। कंसेप्ट तो क्लियर हो गया ना, कस्टमर से कस्टमर, बिजनेसमैन नहीं बेच रहा, कोई पुरानी कार कोई खरीदना चाहता है तो कौन खरीद रहा है, एक कस्टमर बेच रहा है दूसरा कस्टमर खरीद रहा है, कोई पुराना टीवी है, पुराना फ्रिज है, पुराना कोई कुछ भी, डजंट मैटर कि हम किसी पर्टिकुलर चीज की बात करें, इसमें आप बच्चे बहुत समझदार हैं, आप सब चीजें इन्वॉल्व कर सकते हैं, किसी भी चीज को इन्वॉल्व कर लीजिए। तो इन्वॉल्वमेंट आपको समझना है। नेक्स्ट देखिए इंट्रा बी कॉमर्स, इंट्रा बी कॉमर्स यानी कि यहां पर जो बिजनेस है वो, जैसे कहते हैं ना कि बिजनेस क्या कहूंगा मैं इसको, एक बिजनेस के अंदर ही अंदर, बिजनेस के अंदर ही अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट है भाई, प्रोडक्शन है, मार्केटिंग है, तो डिपार्टमेंट, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन हो सकता है ई बिजनेस यानी इंटरनेट के थ्रू, यानी सभी को हमने ऑनलाइन सिस्टम से अपने एक प्रॉपर मेथड में इन्वॉल्व कर लिया है। अब मार्केट की रिसर्च करके आ रहे हैं मार्केटर, अब वो एकदम फटाफट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बता देंगे एंड अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन हो जाएगा। अब कब वो प्लान होगा, कब वो वर्क होगा, तो समय नहीं लगेगा, बड़ा फास्ट हम कर सकते हैं। यानी कि एक ही बिजनेस के डिफरेंट डिपार्टमेंट, उसमें क्या हेल्प होगी, एक तो कोऑर्डिनेशन, काम फास्ट होगा या नहीं हुआ देखो। इंट्रा बी कॉमर्स में क्या हुआ कि भाई डिपार्टमेंट है ऑर्गेनाइजेशन से, उन सभी को जोड़ दिया गया है, एक दूसरे के साथ अटैच कर दिया गया है ऑनलाइन। अब ऑनलाइन सब लोग अटैच रहे हैं और अपनी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, तो कितनी जल्दी पहुंच जाएगी इन्फॉर्मेशन। सपोज कीजिए आज एक मुंबई में हमने कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट देखा है, फैक्ट्री है मेरी दिल्ली में, तो मुंबई से कभी वो आएगा, कब बताएगा, कब सिस्टम होगा, फिर हम वहां मैन्युफैक्चर करेंगे, हम क्या करेंगे फास्टली, हम फटाफट मुंबई से ही ऑनलाइन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बताएंगे कि ये गुड्स की रिक्वायरमेंट आ रही है, क्या बना सकते हैं, वो फटाफट कहेंगे जी बना देंगे, फटाफट 2 मिनट में ऑर्डर आ गया, अदरवाइज तो वो ऑर्डर कभी हमें मिलता ही नहीं। तो कितना बेनिफिट हुआ किससे हमें, इंट्रा बी कॉमर्स से। तो आपको समझना है कि बिजनेस यानी कि ई बिजनेस का क्या क्या स्कोप है, यानी कहां कहां ये इन्वॉल्व है। तो एक तो बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन हो गया, एक बिजनेसमैन से कस्टमर हो गया, एक कस्टमर से कस्टमर हो गया, और एक ये ऑर्गेनाइजेशन यानी इंटर डिपार्टमेंट, जैसे हमने कहा ना बी टू सी, तो ये सी टू बी भी हो सकता है, जैसे पोस्ट सेल सर्विसेज होती हैं, कस्टमर भी तो कस्टमर केयर के थ्रू बिजनेसमैन से डील कर सकता है,
बिजनेसमैन कस्टमर को कर रहा है, कस्टमर बिजनेसमैन के लिए कर रहा है डील करने के लिए, और कुछ खास रिक्वायरमेंट भी नहीं है। जैसे कि आप भाई ट्रेडिशनल बिजनेस में मैंने आपको बताया कितनी चीज़ें चाहिए, और ऑनलाइन बिजनेस में कुछ खास नहीं चाहिए, वो ये सिंपल फ़ोन जो आपके पास चाहिए, और आज तो प्रेजेंट सिनेरियो में आपके पास जो इंटरनेट की फैसिलिटीज़ है वो सबके पास है। इधर देखिए बेनिफिट, अब इसके फ़ायदे क्या हैं, आई थिंक मुझे नहीं लगता कि इसके फ़ायदे हमें समझ नहीं आए होंगे, इसके फ़ायदे तो हम इन टॉपिक्स में क्लियर कर चुके हैं। क्या? इजी ऑफ फॉर्मेशन एंड लोअर इन्वेस्टमेंट, स्टार्ट करना वेरी इजी, कुछ भी खास आपको नहीं करना है, कुछ भी खास आपको नहीं करना है, बड़ी आसानी से भी इसे ओपन कर सकते हैं, कोई ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए आपको, ज्यादा इन्वेस्टमेंट आपको नहीं चाहिए, केवल इंटरनेट का कनेक्शन चाहिए, अपने पास कुछ इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए जिसके थ्रू आप कस्टमर से पूरे वर्ल्ड में जुड़ सकते हैं, बस आपको अपना नेटवर्क स्ट्रांग करना है, जितना बड़ा नेटवर्क उतनी बड़ी सेल। आज बिजनेस में जो ऑनलाइन बिजनेस कंसेप्ट है उसमें नेटवर्क की रिक्वायरमेंट है, कितने बड़े नेटवर्क में आप काम कर सकते हैं, तो अगर आपको और बड़े नेटवर्क में काम करना है तो इन वेबसाइट्स पर काम चले जाइए, जैसे अमेजोन मैंने पेटीएम का, इनके थ्रू जुड़ जाइए, एक बड़े प्लेटफॉर्म से जुड़ जाएंगे, आप एक ह्यूज सेल कर पाएंगे। और इन्वेस्टमेंट की कोई बड़ी जरूरत आपको नहीं है, कन्वीनियंस, इजी और कस्टमर को आप आसानी से कन्वीनियंस भी कर सकते हैं, क्योंकि आप अपनी बात डिटेल में उसे मेंशन कर रहे हैं और कस्टमर आसानी से उसे समझ रहा है। भाई सारी बातें हमने डिक्लेयर कर दी ना, आप प्रोडक्ट के ऊपर सारा डिस्क्रिप्शन हमने मेंशन कर दिया है, उसके प्राइस, उसके रेट, उसकी वारंटी, उसकी डिटेल, उसका कौन सेल कर रहा है, क्या सेल है, क्या डिटेल है, उस पर क्या डिस्काउंट है, कहां कहां से कैसे कैसे होता है, उसमें कौन कौन सी क्वालिटी है, कौन से ब्रांड का है, हर चीज हमने क्या कर दी, एक ही बार बता दी, कस्टमर को बार बार बताने की जरूरत नहीं है, कस्टमर को बार बार सुनने की जरूरत नहीं है। स्पीड, अब काम कितनी जल्दी से हो रहा है, पूरे के पूरे वर्ल्ड में आप मिनटों में सेल कर सकते हैं। स्पीड, स्पीड में क्या करना है, कस्टमर आपसे ऑनलाइन जुड़ रहा है, आप कस्टमर से ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, और एक बार में एक कस्टमर को सेल नहीं कर रहे हैं, एक ही बार में आप हजारों कस्टमर्स को एक साथ सेल कर रहे हैं, तो स्पीड कितनी है, यानी कि अगर आप उस स्पीड से बात करेंगे तो सेकंडों में आप सबके साथ डील कर पा रहे हैं, सेकंडों में सबके साथ डील कर पा रहे हो, कितना ईजी है, फटाफट आपने वो क्लिक करना है, केवल एक क्लिक से डील हो जाती है, केवल एक क्लिक से डील हो जाती है, बहुत ज्यादा प्रोसेस आपको नहीं करना पड़ता है। इसके बाद है ग्लोबल रीच, अब शुरू से हम पढ़ क्या रहे हैं, भाई इंटरनेट के थ्रू जब आप बिजनेस करते हैं, ई बिजनेस की बात करते हैं, तो आपकी रीच कहाँ है, क्या आपकी सिटी में है, नहीं नहीं अब आप सब आज वीडियो देख रहे हैं आप मेरी यूट्यूब पर, तो इस यूट्यूब पर इस वीडियो की रीच क्या आपके पास तक है, क्या मेरी पर्टिकुलर सिटी तक है, आप पूरे वर्ल्ड में देख सकते हैं कहीं भी, बस नेटवर्क होना चाहिए, हमारा जितना बड़ा नेटवर्क होगा हम उतना फायदा उठा सकते हैं इस बात का, बस हमारा नेटवर्क छोटा है तो हमारे पास जो व्यूअर्स हैं वो कम है, लेकिन नेटवर्क बढ़ जाएगा तो यहां पर भी लाखों व्यूज आ सकते हैं, क्यों, जैसे जैसे नेटवर्क बढ़ता रहेगा वैसे वैसे इसका बेनिफिट आपको मिलता रहेगा। तो यहां जो हम समझ रहे हैं ग्लोबल रीच, तो आप ग्लोबलाइज पहुंच जाते हैं, यानी कि दुनिया तक आप अपनी बात को कह सकते हैं। एक होता है मूवमेंट टूवर्ड्स पेपरलेस सोसाइटी, अब इसका एक बहुत बड़ा जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन में आप इसका एक रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि जब आप ऑनलाइन सिस्टम में हैं तो आपका जो पेपर वर्क है वो बहुत कम हो गया है। भाई आज आप इनकम टैक्स रिटर्न भरनी है तो आपको कोई पेपर्स का बहुत बड़ा बंडल थोड़ी चाहिए, आपको केवल ऑनलाइन क्लिक करना है, पैसे डिपॉजिट करने हैं, पैसे निकालने हैं इंटरनेट से, ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम, तो वो जो पेपर वर्क था वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है। अगर आप आज ध्यान देखेंगे तो सिस्टम से जितना भी ऑनलाइन सिस्टम में आते जा रहे हैं पेपर का जो काम है वो सब खत्म हो गया है, यानी पेपरलेस इकोनॉमी हो गई है, यानी कहीं ना कहीं ये हमें हेल्प कर रहा है हमारे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन में, क्योंकि जितना कम पेपर लगेगा उतना ही हमारा इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड नहीं होगा, उतने कम पेड़ कटेंगे, पता ही आप सब लोगों को, पढ़े लिखे बच्चे हैं आप, ये कॉमर्स के बच्चे तो वैसे ही ब्रिलियंट होते हैं, समझदार हैं, तो आप तो समझिए कि टॉपिक में क्या पढ़ना है हमें, देखिए कंसेप्ट पढ़ना है कि ई कॉमर्स है क्या। अब इसके अंदर आपको ये भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि ई कॉमर्स और जो ट्रेडिशनल बिजनेस है उसमें क्या डिफरेंस है, डिफरेंस मिल गया होगा, इन्वेस्टमेंट का है, देखिए आप इसके डिफरेंस भी समझ सकते हैं, इन्वेस्टमेंट इसमें कम उसमें ज़्यादा, इजी टू फॉर्मेशन, इसको स्टार्ट करना कितना आसान, बिना कुछ पैसे के फटाफट कर लीजिए, अब छोटे से दो इंस्ट्रूमेंट चाहिए, जबकि ट्रेडिशनल बिजनेस, स्पीड, ट्रेडिशनल बिजनेस में स्पीड नहीं है, वहां तो कस्टमर को बहुत देर तक आप कन्विंस करते रहेंगे, और फेस टू फेस एक धंधा चाहिए आपको, लेकिन यहाँ पर तो एक ही बार में पता नहीं लाखों कस्टमर एक साथ कन्विंस हो रहे हैं, इसकी ग्लोबल रीच है जबकि उसकी ग्लोबल रीच
नहीं है। आपको अगर मैं बात करूं डिफरेंस की, तो डिफरेंस भी पढ़ सकते हैं हम, क्योंकि ऑब्जेक्टिव कहीं ना कहीं जो इस टॉपिक को पढ़ाने का है, चाहे वो हमारे सिलेबस में ई बिजनेस ही हो, लेकिन उसमें भी आपके कंसेप्ट में कहीं ना कहीं ये पॉइंट रहेगा हमारा कि भाई इनमें डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस के लिए जरूरी नहीं है कि आप इसे लर्न करें, और आप इसके बेनिफिट से ही कवर इसके डिफरेंस कर सकते हैं। तो आई थिंक मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी समझ में आई होगी। ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो बहुत जरूरी है, यदि आपने अब तक बेल आइकॉन को प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, जिससे कि मेरी न्यू वीडियोज़ के जो नोटिफिकेशन है वो आपको लगातार मिलते रहें। थैंक यू, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो।